नमस्ते सभी को। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग लाइव मौजूद है। पंजाब की सियासत से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद वहां पर तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, देखिए इसी पर माथापच्ची है, क्योंकि अंबिका सोनी ये नाम सामने आ रहा था। उन्होंने सेहत का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री बनने से इंकार कर दिया है और ये सलाह दी है कि कोई सिख ही मुख्यमंत्री बने। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सोनिया से बात की है और आलाकमान को धमकी दी है कि प्रोटेस्ट करवाया जाए। हमारे सहयोगी चमन हमारे साथ लाइव मौजूद है। चमन, देखिए तेजी से वहां पर परिस्थितियां बदल रही हैं इस वक्त, सबसे पहले आप अपडेट बताइए। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब कांग्रेस भवन, जहाँ पर आज सीएलपी की जो बैठक होनी थी, लेकिन हालांकि वो अभी रद्द हो चुकी है। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो चहल पहल जो थी वो पहले सुबह बहुत ज्यादा थी, लेकिन हालांकि अब जो है वो थोड़ा यहाँ पर पुलिस का ही थोड़ा पहरा है और अभी तक खाली जो है वो पड़ा हुआ है सारा कांग्रेस भवन। और अगर बात करें जहाँ तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज सुबह ही, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि सोनिया गांधी को टेलीफोन किया था और उन्होंने कहा कि अगर जो मेरा जो अगर खेमा है, अगर वहां से कोई अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए तो आप फ्लोर टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। तो इससे ये समझ आ सकते हैं आप आखिरी किस तरह से जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो है वो पिछले दिन भी कह चुके थे कि जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और उन्होंने हालांकि जो नवजोत सिंह सिद्धू जो तुलना जो की थी वो एंटी नेशनल थी, वो देश के लिए खतरा है। और इसी तरह से जो आज की जो जो स्थिति बन रही है, जो अंबिका सोनी का जो नाम था वो सबसे पहले जो था वो रेस में आगे था, वो अब हट गया है, क्योंकि अंबिका सोनी ने अपना सेहत का जो हवाला है वो दिया है और कहा है कि जो वो सेहत है जो वो उनकी ठीक नहीं है, इसी वजह से वो अब मुख्यमंत्री के का जो कार्यभार है वो नहीं संभाल सकती। और अब जो अगला जो मुख्यमंत्री कह रहा होगा या कौन होगा, इस पर अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी जो असंबद्ध की स्थिति ये बनी हुई है, क्योंकि ये तीन जगह जो है वो चंडीगढ़ में इसमें बैठकें चल रही है। एक तो सुनील जाखड़ के घर पर बैठक चल रही है और दूसरी जो बैठक है वो जेडब्ल्यू मैरिट जो एक प्राइवेट होटल है चंडीगढ़ में, वहां पर जो ऑब्जर्वर जो आए हुए हैं दिल्ली से, हरीश रावत, अजय माकन और जो जो हरीश चौधरी जो है वहां पर मौजूद हैं। और वो वहां पर कुछ जो विधायक हैं और मंत्री हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सुखजिंदर सिंह धनोवा है उनके घर पर भी कुछ जो मंत्री थे जो सिद्धू के खास माने जाने वाले थे, पहले बलबीर सिद्धू, श्याम सुंदर अरोड़ा, वो कैप्टन खेमे के माने जाते थे, अब वो उन्होंने सवेरे ही सुखजिंदर सिंह धनोवा से मुलाकात की है। और वहां पर अब उनके पास बैठने का जो जोर अंबिका सोनी के घर पर मौजूद है। अंबिका सोनी ने तो इनकार कर दिया है क्योंकि उनका नाम ही सबसे आगे चल रहा था, अब अगला नाम किसका हो सकता है? देखिए, अभी इस पर जो सरगर्मियां बिल्कुल तेज हैं और कई नामों पर आकलन लगाए जा रहे हैं, इसमें सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो अभी भी अंबिका सोनी का। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया का काफी जमावड़ा है और लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से उनके तरफ से कोई आधिकारिक बयान आए, क्योंकि अभी तक अंबिका सोनी ने न हाँ कहा है न ना कहा है। तो उन इस खामोशी की क्या वजह है ये जानने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं। दो तीन नाम हैं जो कि सबसे आगे चल रहे हैं मुख्यमंत्री बनने की रेस में, और अब से थोड़ी देर में शायद 12 बजे तक कुछ हालात सामान्य होंगे और उस वक्त पता चल पाएगा कि आखिर कहना चाह रहे हैं कि अभी तक अंबिका सोनी ने सेहत का हवाला नहीं दिया है, उन्होंने पूरी तरीके से इनकार नहीं किया है मुख्यमंत्री को लेकर। बिल्कुल, उनके तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, हालांकि कल जो उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई थी उसके बाद यह आकलन लगाया जा रहा था कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और आप देखें कि लगातार यहां पर एक के बाद एक अलग अलग तरह से के लोगों के आने का सिलसिला जारी है, जो कि राजनीति से जुड़े लोग हैं, कुछ ऑब्जर्वर्स के भी जो वहां पे लगाए गए हैं पंजाब में कि सरकार किस तरह का गठन हो, किस तरह से हो, उसमें जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके भी कुछ लोग हैं जो कि लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और बातचीत
चल रही है, तो एक सरगर्मियां यहां पर जिस तरह से दिख रही हैं अंबिका सोनी के घर के बाहर, उससे ये बिल्कुल अभी नहीं कहा जा सकता कि ये इन्होंने मना कर दिया है या इनकी बात को आला कमान ने मान लिया है। तो अभी भी इनका नाम इस रेस में है और जिस तरह से लगातार लोग एक के बाद एक यहाँ पर आ रहे हैं और जो सरगर्मियां दिख रही हैं उससे लगता है कि इनके तरफ से अभी भी हाँ ना आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ है। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि 12:30 बजे के आसपास तस्वीरें और साफ हो पाएंगी, जिसमें ये पता चलेगा कि आखिर पंजाब का अगला कैप्टन या अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल यहाँ पर जो राजनीतिक सरगर्मी है वो काफी तेज है और लगातार लोगों के मिलने का आने का सिलसिला जारी है। इससे ये लग रहा है कि अभी भी अंबिका सोनी मुख्यमंत्री बनने के रेस में हैं। जी बिल्कुल चमन, जो एहतियात जानकारी दे रहे हैं अंबिका सोनी के घर के बाहर वो मौजूद है। औपचारिक बयान अभी तक अंबिका सोनी का नहीं आया है, लेकिन कैप्टन ने जिस तरीके से आलाकमान को धमकी दी है, सोनिया गांधी से फोन पर बात की है, तो कैप्टन के तेवर भी नरम नहीं है चमन? जी देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो तेवर हैं वो कल जो जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था उसके बाद ही उनके तेवर जो हैं वो नरम नहीं पड़े थे। हालांकि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर भी टिप्पणी करी थी और नवजोत सिंह सिद्धू को उन्होंने एंटी जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा जो है खतरा बताया था। और हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू के जो सलाहकार हैं वो आज सवेरे कैप्टन पर भारी हो गए थे और उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी ये कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो एक दोस्त हैं वो खुद पाकिस्तानी है, तो वो नवजोत सिंह सिद्धू को इस तरह का पाकिस्तान पर जो बयान दिया है वो उसको ना करे। तो अब ये देखना होगा कि जो आज जो विधायक दल की जो बैठक अब रखी गई थी वो तो कैंसिल कर दी गई है। हालांकि अब ये है कि अब 1-to-1 जो है वो अब मुलाकात होगी सब विधायकों से, तो अब ये 1-to-1 मुलाकात में किसका नाम सामने आता है अब ये देखना होगा। और जहां तक अगर बात करें मुख्यमंत्री के नाम की, तो इस समय जो है वो जो है 3 नाम जो है वो आगे चल रहे थे, जैसे अंबिका सोनी और नवजोत सिंह सिद्धू का नाम और सुनील डाकर और सुरेंद्र रंधावा। अब देखना भी ये होगा कि अब अगर अंबिका सोनी के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उन्होंने सेहत का हवाला देकर अभी जो है वो मना किया हुआ है, अब देखना ये होगा कि अंबिका सोनी सरकार के ऊपर जो फैसला होगा वो किस तरह का होगा और वो क्या कहते हैं आला कमान को, और उसके बाद ही कहना उचित होगा कि किसके नाम पर जो है वो आगे मोहर लगेगी। चमन जो एहतियात बता रहे थे, जो आप बता रहे हैं, क्योंकि हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है कि अंबिका सोनी ने सेहत का हवाला दिया है और मुख्यमंत्री बनने से इंकार किया है, लेकिन औपचारिक बयान का इंतजार करना होगा, कुछ देर हमें और इंतजार करना होगा। चमन, ऐसी भी खबरें थी कि नवजोत सिंह सिद्धू भी मुख्यमंत्री बनने की रेस में है, वो भी अड़े हुए हैं आलाकमान के आगे। जहाँ तक हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के जो खेमे के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को ही क्यों ना सीएम बनाया जाए, और नवजोत सिंह सिद्धू ही नहीं अभी जो पार्टी को फिर से एक बार पंजाब में रिवाइवल दिया था, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरह से 2017 की बात करें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, तो अब कैप्टन के नाम का तो अब चमन का फ्रेम फ्रीज हो गया है अगले चुनाव में, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह तो अब इस्तीफा दे चुके हैं। अब देखना अब ये होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू को जो आला कमान है वो आगे करती है या नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर। चमन, आप एक बार फिर से जुड़िए, आपकी कनेक्शन में दिक्कत हो रही है, तो मैं एहतेशाम से रिएक्शन लेती हूँ। एहतेशाम, अंबिका सोनी के घर पर इस वक्त कोई बड़ा कांग्रेसी नेता मौजूद है, क्या हलचल इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, हमें समझना होगा कि अंबिका सोनी का रुतबा क्या है कांग्रेस पार्टी में, वो एक एडवाइजर भी हैं सोनिया गांधी के लिए, इसलिए पंजाब में जो कुछ भी होता है उसमें इनकी एक अहम भूमिका होगी। और जिस तरह से हमारे सहयोगी चमन बता रहे थे कि अगर ये मान लिया जाए कि अंबिका सोनी पीछे हट जाती हैं रेस से या वो मना कर देती हैं या उनकी बात आला कमान मान लेता है, तो 2 नाम जो है वो सुर्खियों में है, वो रंधावा और सुनील जाखड़ का है। इसमें सिद्धू को लेकर थोड़ा सा संशय इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो
बिल्कुल आमने सामने अमरिंदर सिंह के रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो गुटबाजी हुई या जो विद्रोह हुआ एक तरह का, उसमें उसका चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू थे, तो क्या उनको लेकर मुख्यमंत्री का उनको बनाया जाएगा? इससे क्या पार्टी के अंदरूनी लड़ाई में और क्या दिक्कतें आ सकती हैं? ये सब सारी चीजें देखी जाएंगी कि उनको मुख्यमंत्री बनाना सीधे सीधे से और ज्यादा कैप्टन को ह्यूमिलिएट करना होगा। तो इन सब चीजों का आकलन करने के बाद, जो विधायकों का रुख है उसको देखने के बाद ही आला कमान कोई तय करेगा। हालांकि अभी भी जो कांग्रेस आला कमान है उनकी नजर में अंबिका सोनी का नाम सबसे आगे है, क्योंकि वो एक कांग्रेस लॉयलिस्ट रही है। 3 पीढ़ियों से उन्होंने कांग्रेस के साथ काम किया है, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, और उसके बाद अभी जो मौजूदा कांग्रेस है जिसमें राहुल गांधी आगे हैं, तो उसमें भी इनकी एक अहम भूमिका है। तो जो कोई भी होगा आगे, वो इनकी नजर से उनका नाम जरूर गुजरेगा अगर अंबिका सोनी मना भी कर देती हैं। तो इसके बाद जो दो नाम सामने आ रहे हैं वो सुनील जाखड़ और रंधावा के हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर संशय बना हुआ, क्योंकि अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कैप्टन फिर आगे किस तरह से उनका रुख होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह का, कि चुनाव भी आने वाले हैं, वो क्या दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं, इन सब का आकलन फिलहाल पार्टियां आलाकमान कर रही है और उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। आधा घंटा या एक घंटे का समय और लग सकता है, जब तस्वीरें और साफ हो पाएंगी और माहौल और बेहतर हो पाएगा तब कुछ चीजें हम बता पाएंगे। जी ठीक है चमन, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहली बार खुलकर के बोला है, सबसे पहले इस्तीफा देने के बाद न्यूज 18 इंडिया को ही उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था और नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ खुलकर बोले। उन्होंने बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू एक डिजास्टर हैं और उन्होंने कहा कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को कबूल नहीं करेंगे। ऐसे में कैप्टन का अगला कदम क्या होगा, इस पर भी सबकी नजरें हैं। जी जी कैप्टन का अगला कदम, जहां तक हमारे सूत्र है कैप्टन का अगला कदम, जी कैप्टन का अगला रुख यही होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज फिर सोनिया गांधी से वो बात की है और उन्होंने अपने चेतावनी दी है कि अगर मेरे टीम से अगर किसी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा तो अब आप फ्लोर टेस्ट के लिए रेडी रहना। तो अब ये फ्लोर टेस्ट के ऊपर बात, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी अगर रहती है तो फ्लोर टेस्ट पर देखना होगा कि फ्लोर टेस्ट पे कितने विधायक जुटा पाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, और उसी को लेकर अब जो है वो स्थिति दोनों साइड जो है वो अब बराबरी की होने वाली है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जो है वो कोई नए खिलाड़ी नहीं है पॉलिटिक्स में, वो एक बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी है और पॉलिटिक्स की इसका पर नवजोत सिंह सिद्धू पे ही एक आ जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई बच्चे नहीं है, अगर वो बच्चा है जो समझेगे नहीं, वो भी कोई ना कोई अगर वो ऐसी बनाएंगे जिससे कि जिस तरह से उनको इस्तीफा देना पड़ा अपने पद को लेकर, और जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये भी नाराजगी बताई कि तो उनको बिना बताए यहाँ पर जो है वो सीएलपी की मीटिंग रख दी जाती है, और जो मेरी नाराजगी थी मेरे को 3 बार जो है वो दिल्ली बुलाया गया और उसके बाद भी जो आला कमांडर की गुटबाजी चल रही थी उस पर कोई निर्णय नहीं निकला। हालांकि हरीश रावत कुछ दिन पहले जब चंडीगढ़ पिछली बार आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि ऑल इज वेल नहीं है, तो ऑल इज वेल जो था वो कांग्रेस में पहले से नहीं था, हालांकि ये हरीश रावत के मुंह से भी सुनने को मिला था। अब ये कि अब देखना है कि ऑल इज वेल की जो स्थिति है कांग्रेस में वो कब ठीक होगी, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री के नाम का जो है वो ऐलान नहीं हुआ है और ना ही कोई ऐसा औपचारिक जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ऑब्जर्वर जो कल आए थे यहाँ पर थी उनकी तरफ से भी कोई ऐसा औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। बस उन्होंने बस ये कहा कि आला कमान ही तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, हालांकि आला कमान अब तक ये तय नहीं कर पाई कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो इसको लेकर बहुत ही एक कांग्रेस में जो है वो अब स्थिति जो है गुटबाजी की भी नजर आ रही है, और अब 3 जगह जो है वो मीटिंग स्टार्ट है इस समय, और सुखजिंदर रंधावा के घर पर एक मीटिंग चल रही है, सुनील जाखड़ के घर एक मीटिंग चल रही है, और JW एक प्राइवेट होटल है चंडीगढ़ में जहां पर भी मीटिंग चल रही है, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद हैं, और जो दिल्ली से ऑब्जर्वर आए हुए हैं अजय माकन, हरीश रावत जी और हरीश चौधरी, उन वो भी अब ये सुनने में आया कि 1-to-1 जो मुलाकात होगी वो विधायकों से होगी और एक एक करके विधायकों से जो है वो मुलाकात करके वो जानकारी लेंगे और किसके पक्ष में वो हैं वो भी अब देखना होगा, और अब जल्दी से जल्दी अब देखना होगा कि किसके नाम पर जो है आला कमान जो है वो मोर लगाने लगे।
एहतिशाम, देखिए आलाकमान के लिए बड़ी मुसीबत है और कांग्रेस के लिए आगे का सफर कांटों भरा रहने वाला है, क्योंकि चुनाव में 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में अमरिंदर सिंह के कामकाज से लोग भी खुश नहीं थे। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू को गांधी परिवार का साथ मिला, यहाँ पर जो बगावत हुई, विद्रोह हुआ, उसका असर राजस्थान में भी देखा जा रहा है। और जनता ये बोल रही है कि जब आप अपने मामले नहीं निपटा पा रहे हो तो फिर जनता के मामले कैसे निपटाओगे? देखिए, न सिर्फ पंजाब की जो राजनीतिक स्थिति है बल्कि ओवरऑल जो कांग्रेस की स्थिति अन्य राज्यों में है, और अगर उसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत अपोजिशन बनकर उभर कर सामने आना है और काम करना है, तो उसके लिए क्रिटिक्स कह रहे हैं, जो कांग्रेस को देखते हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से जो हालात पंजाब में बने हैं वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अभी तक बहुत स्मूथली सब कुछ पंजाब में चल रहा था और चुनाव से ठीक पहले जो ये राजनीतिक उठापटक हुई है और जो अंदरूनी कलह बिल्कुल सामने निकल कर आई है, इससे पार्टी को बहुत नुकसान हो सकता है कि जब चुनाव में आप जाएंगे तो किसकी छवि को लेकर जाएंगे और जो नई सरकार बनेगी उसकी छवि क्या होगी और लोगों के सामने आप क्या भरोसा रखेंगे, उनके सामने क्या वादे करेंगे। और ये एक इंप्रेशन बन रहा है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत और डिसिप्लिन पार्टी के तौर पर नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी अपने घर को संभाल नहीं पा रही है। तो ये एक बड़ी क्षति सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ सकता है, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। जी बिल्कुल एहतिशाम, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े सभी का शुक्रिया, साथी एहतिशाम और चमन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।